तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक लौंडे लपाटे कूलों में चुल मचाते बॉय के बारे में। लगभग सही पहचाना आपने, हम बात करने जा रहे हैं कैरी मिनाती के बारे में, जिन्होंने इंडिया में रोस्टिंग कल्चर की शुरुआत की। तो बिना देरी किए चलिए जानते हैं कैरी मिनाती के बारे में। नंबर वन, यूट्यूबर कैरी मिनाती का असली नाम अजय नागर है और उनका जन्म 12 जून 1999 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। कैरी मिनाती की उम्र 2021 में 22 वर्ष है। नंबर टू, वो अपने माता पिता और यश नागर के बड़े भाई हैं, साथ में 4 लोगों के परिवार में रहते हैं वो। इसके भाई यश गिटार वादक और म्यूजिक प्रोड्यूसर है। नंबर थ्री, कैरी मिनाती की कुल संपत्ति लगभग 27 करोड़ रुपए है एक अनुमान के हिसाब से। नंबर फोर, कैरी मिनाती ने अपनी स्कूलिंग DPS फरीदाबाद से की है। वो कभी भी पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे, वो अपना अधिकांश समय बचपन में वीडियो गेम खेलने में बिताते थे, जिसके बाद से उन्होंने अपने लिए ये करियर चुना। नंबर फाइव, उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका नाम है स्टील्थ फियर्स। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कैरी ने महसूस किया कि उन्हें केवल यूट्यूब के साथ कुछ करना चाहिए। नंबर सिक्स, कैरी मिनाती के एक फ्रेंड ने कहा कि तू विंडोज 7 को इंस्टॉल कर ले, उसमें सारी गेम्स चल जाएंगी। कैरी मिनाती ने अपने दोस्त की बात मान ली लेकिन उसमें एक भी गेम नहीं चली। तब कैरी मिनाती ने विंडोज 7 के फीचर्स की एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। उस टाइम कैरी मिनाती को लाइक और सब्सक्राइब के मामले में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस वक्त कैरी मिनाती के सर पर वीडियो अपलोड करने का ही भूत सवार हो गया था। वो कुछ न कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड करते ही रहते थे। नंबर 7, कैरी मिनाती फुटबॉल ट्यूटोरियल पर वीडियो बनाने लग गया। 15 साल की उम्र में अजय ने यूट्यूब पर अपना नया गेमिंग चैनल शुरू किया। तारीख 30 अक्टूबर 2014 को उन्होंने चैनल एडिक्टेड A1 शुरू किया। इस चैनल पर वो काउंटर स्ट्राइक खेलता था। उसने सनी देओल और ऋतिक रोशन की आवाज में गेम कमेंट्री करना शुरू किया। नंबर 8, उसने कुछ महीनों के भीतर ही काउंटर स्ट्राइक के गेम प्ले पर 150 प्लस वीडियो बना लिए। ये खेल भारत में उतना लोकप्रिय नहीं था और उनके कुछ प्रशंसक केवल उनकी फनी कमेंट्री के कारण ही ये वीडियो देख रहे थे। कैरी ने इसे अपने फायदे में बदल दिया और चैनल को कैरी देओल के नाम के साथ में पेश किया। नंबर 9, अजय ने गेम प्ले के साथ में रोस्टिंग शुरू किया। उन्होंने पहले छोटे कलाकारों को चुना। उनका चैनल अमेरिकी यूट्यूब चैनल लीफ इज हियर से प्रेरित था। नंबर 10, अजय नागर यानी कि कैरी मिनाती पहले भारतीय यूट्यूबर थे जिन्होंने रोस्टिंग कंटेंट की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने अपने चैनल का नाम बदलकर कैरी मिनाती कर दिया। नंबर 11, उनके परिवार ने उनका समर्थन किया जब उन्होंने कहा कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं और बाद में एक ओपन स्कूल के माध्यम से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। नंबर 12, पुलवामा हमले में बचे लोगों के लिए कैरी मिनाती ने बड़ी मात्रा में धन जुटाने में मदद की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि वो सैनिकों के परिवारों के लिए 1,58,000 जुटाने में सफल हुए थे। नंबर 13, कैरी मिनाती इंडिया के इकलौते ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ग्लोबली रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे रिकॉर्ड्स हमेशा फॉरेन के यूट्यूबर ही बना पाते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट, प्यूडीपाई जैसे लोग ही ऐसे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इस लिस्ट में किसी भी इंडियन यूट्यूबर का नाम नहीं था, लेकिन तब तक जब तक कैरी मिनाती नहीं आए थे। इंडिया का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला वीडियो अक्षय कुमार का फिलहाल सॉन्ग था। इस वीडियो पर उस टाइम पर 800 मिलियन व्यूज आए थे, लाइक लगभग 60 मिलियन और उस वीडियो पर लोगों ने लाखों कमेंट भी किए थे। ये सारे रिकॉर्ड्स कैरी मिनाती ने 30 घंटे में ही तोड़ दिए थे। 30 घंटे में ही कैरी मिनाती का वीडियो इंडिया में सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला वीडियो बन चुका था। इस वीडियो पर सिर्फ 30 घंटे में ही 33 मिलियन व्यूज आ चुके थे। इस बार 6.6 मिलियन लाइक्स भी हो चुके थे और 30 घंटे में ही लोगों ने 550,000 कमेंट्स भी कर दिए थे। उन 24 घंटों में कैरी मिनाती ने 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए थे। 3 मिनट का ये वीडियो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला नॉन म्यूजिकल वीडियो बन गया था, लेकिन यूट्यूब ने ये वीडियो हटा दी थी और अभी भी ये टाइटल मिस्टर बीट्स के नाम पर ही है। नंबर 14, कैरी मिनाती का यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वीडियो डिलीट होने के बाद वो काफी गुस्से में थे। इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उन्होंने अपना एक नया गाना निकाला जिसका नाम था यलगार, और इस सॉन्ग ने भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इस सॉन्ग पर भी कैरी मिनाती को फेक कॉपीराइट क्लेम भी आ गया था। नंबर 15, कैरी मिनाती ने जब सबसे पहले भुवन बम को रोस्ट किया तब वो कैरी मिनाती की पहली वीडियो थी जिसको 1,00,000 व्यूज आए थे और बीवी के फैंस कैरी मिनाती पर भड़क भी गए थे। उस वक्त कैरी मिनाती का चैनल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कैरी ने जैसे ही बीवी को रोस्ट किया तभी कैरी के चैनल की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी और वो आज सब्सक्राइबर बेस के मामले में बीवी से भी आगे निकल गए। नंबर 16, कैरी मिनाती ने जब ढिंचक पूजा को रोस्ट किया तब ढिंचक पूजा ने कैरी मिनाती को फेसबुक पर ओपनली चैलेंज किया था कि अगर दम है तो मुझ पर वीडियो न बनाए, फेमस होने के लिए खुद पर गाली वाली वीडियो बनाकर फेमस होकर दिखाएं। इस पर रिप्लाई देते हुए कैरी मिनाती ने कहा कि मैंने आप पर वीडियो अपने दोस्तों के मनोरंजन के लिए बनाई है। नंबर 17, कैरी मिनाती इंडिया के एकमात्र ऐसे यूट्यूबर है जिन्हें टॉम क्रूज से मिलने का मौका मिला हो। कैरी मिनाती ने अब तक टोटल 5 यूट्यूब से अवार्ड प्राप्त किए हैं। नंबर 18, कैरी अपने बचपन में बहुत ज्यादा मोटे हुआ करते थे, इस वजह से उनके शरीर में भी कुछ खामियां रही। फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया और अपनी डाइट को कंट्रोल कर अपना वेट लॉस किया। नंबर 19, कैरी मिनाती जब 12th क्लास में थे तब वो इकोनॉमिक्स के पेपर वाले दिन बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे और उन्होंने ड्रॉप आउट करने का डिसाइड किया और उनके 11th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में ओनली 1 मार्क्स आए थे। नंबर 20,
कैरी का यलगार गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इस वीडियो ने 24 घंटे में ही 33.3 मिलियन व्यूज गेन किए थे और ये वीडियो उस टाइम नंबर 1 ट्रेंडिंग में भी थी। कैरी ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड बना रखा है जो कि मोस्ट सब्सक्राइबर्स इन अ डे एंड वीक। उन्होंने 24 घंटे में 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए थे। तो दोस्तों, क्या आप भी कैरी मिनाती के फैन हैं और आपको भी कैरी मिनाती बहुत पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।